जय मसीह की। दैनिक प्रेरणा में सजीव वाहिनी के सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आनंद की प्राप्ति हो। आज का वचन जिसे हमें सुनने और समझने की ज़रूरत है, याकूब फर्स्ट अध्याय 12th वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। याकूब फर्स्ट अध्याय 2nd वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। वचन कहता है कि परीक्षा में स्थिर बने रहो। वचन के अनुसार जीवन का मुकुट धारण करने के लिए अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा उसी की होगी जो ईश्वर के उद्देश्य में होगा और उनकी दृष्टि उस पर होगी। नियमों का पालन करना, विधियों के अनुसार चलना, परिशुद्ध ग्रंथ में जो उपदेश हैं, आज्ञाएं हैं, उनके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाना और अपने आप को आने वाली सारी परिस्थितियों के लिए तैयार करना, ताकि कठिन और मुश्किल घड़ी जो अचानक आ पड़ती है उसमें कमज़ोर ना पड़ना, निर्बल ना होना, अपने आप को फंसा हुआ ना समझना, शीर्ण ना होना। परीक्षा के द्वारा हम दृढ़ होते हैं, निडर होते हैं, ताकतवर होते हैं, सफल होते हैं, क्योंकि परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर अपने चुने हुए बंधों की ही परीक्षा लेता है, इसलिए इसको आनंद की बात समझो कि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हो। समय को बहुमूल्य जानकर अपने जीवन में सिद्ध हो जाओ, ताकि किसी बात की घटी न रहे। तो आइए हम सब सिद्ध मन से ईश्वर की ओर चलें और उस मुकुट को धारण करें जिसे देने की प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमीन। जय मसीह की।